सिंड्रेला का लहंगा और सैंडल का जादू। सिंड्रेला का जन्म फ्रांस के एक गरीब परिवार में हुआ था। सिंड्रेला जब 5 साल की थी तभी सिंड्रेला के माता पिता की मृत्यु हो गई थी। अब सिंड्रेला अपनी चाची सूफी और चचेरी बहन चारू के साथ रहती है, जो सिंड्रेला को बिल्कुल प्यार नहीं करती थी। सिंड्रेला की चाची सूफी और चारू दोनों सिंड्रेला पर खूब अत्याचार करते हैं, उनसे घर का सारा काम करवाते। सिंड्रेला उनके घर में सिर्फ एक नौकरानी बनकर रहती थी। ऐसी ही एक दिन पूरे गांव में घोषणा होती है, सुनो सुनो सुनो, इस राज्य के सभी लोग ध्यान से सुनो, हमारे राजा अनालिश के लिए एक कुशल और सुंदर राजकुमारी की तलाश है, जिसके लिए महल में कल रात एक सभा का आयोजन किया जा रहा है। उस सभा में जो लड़की हमारे राजकुमार को पसंद आएगी वही बनेगी फ्रांस की महारानी। सभा में इस राज्य की सभी युवा लड़कियों को आमंत्रित किया जाता है, सभी लड़कियां जरूर आए। घोषणा मिलते ही पूरे राज्य में खुशी छा जाती है। सभी लड़कियां खुद को उस सभा में ज्यादा से ज्यादा सुंदर दिखाने की तैयारी में लग जाती है। माँ, मैं सभा में क्या पहनूं? तू चिंता मत कर, मैं तेरे लिए आज ही मीना बाजार से 50,000 रुपए वाला लहंगा दिला दूंगी। सभा में तो तू ही सबसे सुंदर दिखेगी, देखना राजकुमार तुझे ही पसंद करेगा। हाँ मेरी बेटी, तुझसे सुंदर भला कोई है क्या इस पूरे शहर में? चल अब जल्दी से अपने चेहरे पर ये उपटन लगा ले, जिससे ये चांद सा चेहरा और निखर जाए। मैं तेरे लिए लहंगा लेकर आती हूँ। तभी सिंड्रेला भी उनकी बात सुन लेती है। चाची, बाजार जा रहे हो तो मेरे लिए भी कोई सस्ती सी फ्रॉक ले लीजिएगा, मेरे सारे कपड़े फट गए हैं, मैं सभा में क्या पहन कर जाऊंगी? ये सुनकर चारों जोर जोर से हंसने लगती है। अरे बेवकूफ, राजकुमार को अपने लिए राजकुमारी चाहिए, नौकरानी नहीं, समझी? बढ़िया ही सभा में जाने वाली, तेरा वहाँ कोई काम नहीं है। राजकुमार तो तुझ जैसी को अपने काम वाली बिना रखे। पर सभा में तो सभी युवा लड़कियों को बुलाया गया है ना? अरे करमचली, जन्म लेते ही तो सबको खा गई, अब क्या सभा में जाकर राजकुमार की जिंदगी खराब करनी है? तो जैसे मनुष्य के परछाई से भी लोगों को दूर रहनी चाहिए। तूने आज के बाद इस घर के बाहर कदम भी रखे तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? चाची और चारों से इतना सब कुछ सुनने के बाद सिंड्रेला रोते रोते घर के कामों में लग जाती है। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं। चारू आज सुबह से ही बहुत खुश थी, क्योंकि आज रात को उसे सभा में जाना था। चारू लहंगा पहनकर आती है। मैं कैसी लग रही हूँ माँ? मेरी बेटी तो बिल्कुल राजकुमारी लग रही है, किसी की नज़र ना लगे मेरी बेटी को। वो सब तो ठीक है माँ, पर माँ मैं अपने हेयरस्टाइल कैसे करूँ, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। बुरा ना मानो तो चारू तुम्हारा हेयरस्टाइल मैं बना दूँ, मुझे बहुत अच्छे अच्छे हेयरस्टाइल बनाने आता है। हाँ क्यों नहीं, बट सबसे अलग होना चाहिए मेरा हेयरस्टाइल। ठीक है चारू। सिंड्रेला चारू के बाल बनाते बनाते एक बार फिर अपनी माँ से बोलती है, चाची प्लीज मुझे भी सभा में ले चलिए ना, मैं घर में अकेली क्या करूँगी, मुझे अकेले घर में बहुत डर लगता है, मैं बस दूर से ही आप सबको देखूंगी, प्लीज चाची। बड़ी ढीठ है तुझे, जब मैंने एक बार मना कर दिया तो तुझे समझ में नहीं आ रहा? रुक, तेरा सभा में जाने का भूत अभी उतारती हूँ, चल मेरे साथ। और फिर इस तरह चाची सिंड्रेला को घसीटते हुए एक अंधेरे कमरे में ले जाकर बंद कर देती है। अब सड़ यहीं पे, चल बेटी सभा के लिए देर हो रही है। फिर दोनों माँ बेटी सभा के लिए निकल जाती है, और इधर सिंड्रेला अकेले कमरे में अपने माँ बाबा को याद कर खूब रोती है। माँ मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है, माँ माँ पिताजी आप मुझे इतनी जल्दी छोड़कर क्यों चले गए, क्या मैं आप लोगों को पसंद नहीं थी, क्या मैं इतनी बुरी हूँ, मुझसे कोई प्यार नहीं करता, चाची तो ऐसा करती है जैसे मैं उनकी बहुत बड़ी दुश्मन हूँ, आखिर क्यों माँ, क्यों मेरे साथ इतना बुरा हो रहा है, मेरी क्या गलती है आखिर? तभी वहाँ पर एक तेज प्रकाश होता है और एक बहुत ही सुंदर परी वहाँ आती है। उठो सिंड्रेला, रो नहीं, मुझे तुम्हारी माँ ने एक संदेशा देकर मुझे यहाँ भेजा है। तुम इस दुनिया की सबसे खुशनसीब लड़की हो और तुम्हारी जिंदगी में बहुत सारी खुशियाँ आने वाली है, मेरे साथ आओ। और फिर इस तरह परी सिंड्रेला को अपने साथ बाहर लेकर आती है और अपने जादुई सितारा छड़ी से सिंड्रेला के ऊपर कुछ जादू करती है,
जादू करते ही सिंड्रेला नौकरानी से एक बहुत ही खूबसूरत राजकुमारी में बदल जाती है। सिंड्रेला, अब तुम उस सभा में जाने के लिए बिल्कुल तैयार हो। चलो अब मैं तुम्हें सभा तक छोड़ दूँ। अब तुम सभा में जाओ, तुम्हारे साथ सब अच्छा होगा। लेकिन याद रहे, 12 बजे से पहले तुम वापस आ जाना, वरना तुम फिर से पहले जैसी हो जाओगी। इतना बोलकर परी वहाँ से चली जाती है और सिंड्रेला सभा के अंदर जाती है। सिंड्रेला जैसे ही महल में पहुँचती है, सबकी नज़र सिंड्रेला की तरफ ही होती है। अरे इतनी सुंदर लड़की कौन है, कहाँ से आई है? हमारे यहाँ की तो नहीं लगती, पर बहुत ही प्यारी है। चारों बे सिंड्रेला को देखकर उसे नहीं पहचान पाती है। चारों सिंड्रेला के आगे जाकर खड़ी हो जाती है। कुछ ही देर में राजकुमार अनालिश आते हैं। अनालिश के आते ही उसकी नज़र सबसे पहले सिंड्रेला पर जाती है और उससे हटती ही नहीं है। राजकुमार को सिंड्रेला एक ही नज़र में इतनी पसंद आती है कि वो उसे ही अपनी राजकुमारी के रूप में पसंद कर लेते हैं। राजकुमार सिंड्रेला की तरफ बढ़ ही रहे थे, लेकिन चारों को लगता है कि राजकुमार उसके तरफ आ रहे हैं। देखो माँ, राजकुमार को मैं ही पसंद आई हूँ, वो मेरी तरफ ही आ रही है। तभी राजकुमार सिंड्रेला से कहते हैं, प्रिय क्या आप मेरे साथ डांस करोगी? सिंड्रेला खुशी से हाँ कर देती है और राजकुमार के साथ डांस करने लगती है। काफी देर डांस करने के बाद सिंड्रेला की नज़र घड़ी के कांटों पर जाती है। हे भगवान, 12 बजने वाली है, मुझे जल्दी यहाँ से निकलना होगा। और फिर सिंड्रेला राजकुमार का हाथ छुड़ाकर वहाँ से चली जाती है। अरे सुनिए तो, हेलो, ये आपकी सैंडल तो लेते जाइए। लेकिन सिंड्रेला मुड़कर नहीं देखती और भागते हुए अपने घर की तरफ चली जाती है। इधर राजकुमार सिंड्रेला को हर तरफ ढूंढते हैं, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलती। बस मिलती है तो उसकी एक सैंडल, जो भागते वक्त वहाँ छूट गई थी। राजकुमार सभा में उपस्थित सभी लड़कियों को वो सैंडल ट्राई करवाते हैं, पर वो किसी के पैरों में फिट नहीं आता। अगले दिन राजकुमार सिंड्रेला के यादों में ही खोया हुआ था, वो उसे भूल ही नहीं पा रहे थे। बार बार उसके दिमाग में सिंड्रेला ही आ रही थी। मंत्री, मुझे किसी भी हाल में इस सैंडल वाली लड़की चाहिए, मैं शादी करूंगा तो सिर्फ इसी सैंडल वाली लड़की से। राजकुमार, रात से हम हर जगह इस सैंडल वाले लड़की को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, पर वो हमें कहीं नहीं मिली। वो मुझे नहीं पता, वो आसमान से तो नहीं आई थी ना, इसी राज्य से आई थी। जाओ और राज्य का एक एक घर छान मारो, मुझे हर हाल में वही लड़की चाहिए। जो हुकुम महाराज। और फिर मंत्री को सिपाही के साथ पूरे राज्य के एक एक घर में जाकर उस लड़की का पता लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो लड़की उन्हें नहीं मिलती। अंत में वो सूफी के घर आते हैं और वो सैंडल चारों को ट्राई करने देते हैं। ये मेरी ही सैंडल है, देखो मेरे पैरों में फिट भी आ गई। क्या बकवास है, सैंडल तुम्हारे पैरों से बड़ा है, तुम्हें झूठ बोलने पर इसकी सजा भी हो सकती है, इस बात का ध्यान रहे। माफ करना, ये मेरा नहीं है। मंत्री निराशा से चारों के घर से जा ही रहे थे कि तभी उसकी नज़र घर में काम कर रही सिंड्रेला पर जाती है। सुनिए, कृपया आप ये सैंडल पहन के दिखा सकती हैं? आप भी मंत्री जी, क्या मजाक कर रहे हैं? उस नौकरानी को इतनी महंगी सैंडल पहनना तो दूर, उसने इसे सपने में भी देखा तक नहीं होगा, वो उसका हो ही नहीं सकता। जितना कहा जाए उतना ही बोला कीजिए, राजा का हुक्म है सभी लड़कियों को सैंडल पहनाकर देखा जाए, आप प्लीज पहनिए इसे। सैंडल पहनते ही सिंड्रेला के पैरों में वो सैंडल बिल्कुल फिट आता है। ये देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। तो वो आप ही हैं जो रात में महल में आई थी, चलिए हमारे साथ। और फिर मंत्री सिंड्रेला को बहुत ही इज्जत के साथ महल ले आते हैं। अच्छा तो आपका नाम सिंड्रेला है, सिंड्रेला मैं आपको अपने राज्य और दिल की रानी बनाना चाहता हूँ, क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? सिंड्रेला खुशी खुशी हाँ कर देती है और फिर सिंड्रेला और राजकुमार की बड़े ही धूमधाम से शादी हो जाती है और फिर दोनों खुशी खुशी महल में रहने लगते हैं। अनाथ लड़की बनी बहू, ये कहानी है एक नौजवान जोड़े की, जिसमें हरीश नाम का एक लड़का रेखा नाम की लड़की के साथ मुंबई शहर में एक फ्लैट में रहता था। हरीश और रेखा दोनों ही एक ही ऑफिस में काम करते थे। दोनों को एक साथ काम करते करते काफी समय हो गया था और दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। दोनों अक्सर एक साथ घूमने जाया करते थे और एक साथ समय बिताया करते थे।
फिर एक दिन हरीश रेखा से अपने प्यार का इजहार कर देता है। रेखा का इस दुनिया में कोई नहीं होता, वो हरीश से शादी करने के लिए मान जाती है। हरीश का परिवार गांव में रहता था, पर हरीश रेखा के साथ मंदिर में शादी कर लेता है और वो शादी करने के बाद रेखा को मिलवाने के लिए अपने परिवार के पास ले जाता है। रेखा मॉडर्न ख्याल की थी, लेकिन भारतीय सभ्यता बहुत अच्छे से जानती थी। रेखा हरीश के घर में हरीश के माता पिता के पैर छूती है। अरे अरे बेटा, ये लड़की कौन है जो मेरे पैरों में गिरी जा रही है? माँ, मैं आपको सब बताता हूँ, पहले मुझे अंदर तो लेकर चलो या बाहर खड़े खड़े ही सब कुछ पूछ लोगी? हरीश अपनी माँ के साथ अंदर चला जाता है। रेखा अपना और हरीश का सामान लेकर घर में पहुँच जाती है। हरीश अपनी माँ को रेखा और अपनी शादी की सारी कहानी सुना देता है। बेटा, मैं जानती हूँ कि तू बड़ा हो गया है, पर तूने एक बार भी अपने माँ बाप को इस लायक भी नहीं समझा कि उन्हें शादी करने से पहले बता दे। नहीं माँ, आप गलत सोच रही हो, ऐसी कोई बात नहीं है। वो दरअसल सब कुछ यूँ अचानक हो गया कि मुझे मंदिर में शादी करनी पड़ी, और देखो शादी करने के बाद मैं इसे आप लोगों से मिलवाने के लिए ले आया हूँ। माँ, ये बहुत अच्छी है। अच्छी तो बेटा कुछ खास नहीं है, अगर मैं तेरे लिए कोई लड़की ढूंढ कर लाती तो लाखों में एक लेकर आती, पर तूने तो मुझे मौका ही नहीं दिया। पर कोई बात नहीं, अब तूने शादी कर ही ली है तो मुझे कोई एतराज नहीं है। इतना सुनने के बाद रेखा को लगता है कि उसकी माँ ने उसे स्वीकार कर लिया है। रेखा और हरीश दोनों माता पिता के पैर छूते हैं और आशीर्वाद लेते हैं। रेखा और हरीश अपने ऑफिस से एक महीने की छुट्टी लेकर घर आए थे। दोनों सफर में काफी थक गए थे, इसलिए दोनों आराम करने लग जाते हैं। हरीश नहाकर फ्रेश होता है, रेखा भी सोने के लिए बेड पर लेटने ही जा रही होती है कि तभी उसकी सासू माँ आ जाती है। अरे बहू, मेरा बेटा इतना लंबा सफर तय करके आया है, खाने के लिए कुछ स्वादिष्ट बना दो, हम दोनों को भी भूख लगी है। ठीक है माँ, आप बता दो मुझे क्या बनाना है, मैं अभी बना देती हूँ। बेटा, किचन में सब्जियाँ रखी हुई है, जो तुम्हें अच्छे से बनाना आता हो वो बना दो, आज हम तुम्हारे हाथ का बना हुआ खाना पसंद करेंगे। इतनी दूर का सफर तय करने के बाद रेखा भी बहुत ज्यादा थक जाती है, परंतु फिर भी अपनी सास को खुश करने के लिए वो किचन में खाना बनाने के लिए पहुंच जाती है। हरीश अपने कमरे में थोड़ी देर आराम करता है और सो जाता है। दो घंटे खत्म होने के बाद रेखा स्वादिष्ट खाना बनाकर तैयार कर देती है। उसके बाद वो हरीश को कमरे से उठाकर लाती है और सभी लोग एक साथ नाश्ता करने लग जाते हैं। माँ, आप ये लो ना, मैंने आपके लिए भरमा भिंडी बनाई है। हरीश मुझे बताती थी कि आपको भरमा भिंडी बहुत पसंद है, और ये देखो मैंने पापा के लिए मीठे में गाजर का हलवा भी बनाया है। अरे वाह, लगता है हरीश ने तो हमारी पसंद नापसंद सब बताई है। चलो खाना खाकर देखते हैं, स्वादिष्ट बना है या सिर्फ दिखने में ही अच्छा लग रहा है। सभी लोग खाना खाते हैं, खाना बहुत स्वादिष्ट था, सारा खाना खत्म हो जाता है। हरीश के पिता रेखा की बहुत तारीफ करते हैं। अरे वाह बहू, खाना तो तुमने बहुत अच्छा बनाया है, तुम्हारे हाथों में तो जादू है जादू। शुक्रिया पापा, खाना मैंने बहुत मन से बनाया है ताकि आप लोगों को पसंद आए। मुझे तो डर लग रहा था कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, पर आप इतना कह रही हैं तो लगता है खाना अच्छा ही बना है। रेखा की सास को रेखा की तारीफ पसंद नहीं आती है और वो कुछ नहीं कहती। खाना खाने के बाद रेखा सारे बर्तन समेटने लग जाती है और किचन में रख देती है। उसके बाद रेखा किचन में रखे हुए सारे बर्तन धोने लग जाती है। सारा काम खत्म करते करते रात हो जाती है। हरीश अपने कमरे में रेखा का इंतजार कर रहा होता है। यहाँ रेखा किचन का काम जल्दी जल्दी खत्म करने की कोशिश कर रही थी कि तभी उसकी सास दो चार और नए नए काम बताने लग जाती है। बहू, कमरे में जाने से पहले हरीश के टेबल पर पानी रख देना, उसे रात को प्यास लगती है। और हाँ, सोने से पहले घर का दरवाजा चेक कर लेना, कहीं खुला ना रह जाए। रेखा ने पिछले दो दिन से बिल्कुल भी आराम नहीं किया होता है। एक दिन तो उसे गांव आने में लग जाता है और दूसरे दिन वो घर के काम में लग जाती है। सब कुछ खत्म करने के बाद वो अपने कमरे में जाती है। रेखा इतनी ज्यादा थकी होती है कि वो हरीश से बिना बात करे ही सो जाती है। हरीश समझ जाता है कि रेखा बहुत ज्यादा थक गई है और वो भी सो जाता है। सुबह रेखा को उठने में जरा देर हो जाती है कि तभी हरीश की माँ कमरे में पहुँच जाती है। अरे बहू, सुबह के 10 बज गए हैं और तुम अभी तक सोकर नहीं उठी हो? तुम्हें नहीं पता कि ससुराल में सुबह 5 बजे उठ जाना चाहिए? इस समय तो हम सुबह का नाश्ता करते हैं और तुमने अभी तक घर में झाड़ू पोछा भी नहीं किया है।
माँ मुझे माफ कर दो, कल रात को काम ज्यादा करने की वजह से मैं बहुत थक गई थी, इसलिए सुबह आंख नहीं खुली। मैं अभी जल्दी से नहा धोकर घर के कामों में लग जाती हूँ, जब तक आप घर में झाड़ू पोछा कर लीजिए। अरे बेटा मैं तुम्हें क्या बताऊँ, सुबह से मेरे घुटनों में बहुत जोर से दर्द हो रहा है, नहीं तो मैं अपने लिए चाय बनाकर भी पी लेती। अब इस बुढ़ापे वाले शरीर से तो काम भी नहीं होता है, पर अगर तुम कह रही हो तो कोई बात नहीं, मैं घर का झाड़ू पोछा कर लेती हूँ। अरे नहीं नहीं माँ, आप ये क्या कह रही हो, अगर आपके घुटनों में दर्द है तो आपने मुझे बताया क्यों नहीं। आप काम में कुछ मत करो, मैं जल्दी से घर के सारे काम खत्म करके आपके पैर दबा देती हूँ। मैं अभी आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। हरीश की माँ रेखा को घर के सारे कामों में लगा देती है और रेखा भी बिना कुछ कहे जल्दी जल्दी सारे काम कर लेती है। उसके बाद हरीश की माँ के पैरों में हल्दी वाला तेल लगाती है ताकि उनके घुटनों का दर्द कम हो जाए। इसी तरह 20 दिन बीत जाते हैं और अब हरीश और रेखा वापस शहर पर नौकरी पर जाने के लिए अपनी तैयारी करने लग जाते हैं। जब हरीश की माँ को ये याद आता है कि अब दोनों अपने काम पर वापस जा रहे हैं तो वो मन ही मन सोचती है, अरे ये क्या, 20 दिन तो बहुत जल्दी बीत गए, बहू ने मेरी इतनी सेवा करी है कि 20 दिन कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। अब तो मुझे इसकी आदत सी हो गई है, अगर ये दोनों यहाँ से चले गए तो मैं कैसे रहूंगी, मुझे इनसे बात करनी चाहिए। हरीश की माँ हरीश से बात करती है और कहती है कि वो शहर काम करने के लिए ना जाए, हो सके तो वो गांव में ही कोई काम कर ले। अपनी माँ की ये बात सुनकर हरीश को अच्छा नहीं लगता है। हरीश अपनी माँ को साफ मना कर देता है, माँ तुम ये कैसी बातें कर रही हो, मैं यहाँ गांव में नहीं रह सकता हूँ और रेखा भी यहाँ नहीं रहेगी, हमें शहर काम पर जाना होगा। आप चाहो तो हमारे साथ शहर में रह सकती हो, हमने वहाँ पर एक छोटा सा फ्लैट ले रखा है। बेटा हमें शहर के छोटे छोटे घरों में रहने की आदत नहीं है, हम अपने गांव में ही रहना चाहते हैं, मैं तो तुझसे बस विनती कर रही हूँ। हरीश अपनी माँ की बात से सहमत नहीं होता है और अब वो दिन आ जाता है जब उन्हें अपने शहर के लिए निकलना होता है। रेखा अपनी माँ के पैर छूती है और उन्हें गले लगा लेती है। माँ मैंने आज तक कभी अपनी माँ का प्यार महसूस नहीं किया, पर जब से मैं यहाँ आई हूँ मैंने आपके अंदर अपनी माँ को देखा है, आपने मुझे बिल्कुल बेटी की तरह रखा है, मैं बहुत जल्दी वापस आऊंगी। बेटी मुझे भी पता नहीं चला कि कब पूरा महीना यूं बीत गया, और मैंने तो तुझे ठीक से आराम करने भी नहीं दिया, शहर में जाएगी वहाँ पर भी काम ही करना होगा, ठीक से दो बात भी नहीं कर पाई, मुझे माफ कर दे बेटी, मैंने तो तुझे बस बहू ही समझा, पर तूने तो मुझे अपनी माँ से भी ज्यादा समझा। माँ मुझे आपके किसी बात का बुरा नहीं लगा, मैं तो चाहती हूँ कि आप भी मेरे साथ शहर चलो, हम शहर में एक बड़ा सा मकान ले लेंगे। नहीं बेटा तुम दोनों जाओ और शहर में रहो, और महीनों में यहाँ घूमने आ जाया करना, हम तुम्हारा इंतजार करेंगे। इसके बाद रेखा और हरीश अपने शहर में पहुँच जाते हैं और यहाँ हरीश की माँ अपने बेटे और बहू को बहुत याद करती है। अब हरीश की माँ को ये समझ आ जाता है कि बहू भी बेटी की तरह ही होती है और उसे अपनी बहू के साथ इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए था। हरीश की माँ अपने किए पर पछतावा करती है और हमेशा वो अपनी बहू के आने का इंतजार करती है। अब जब भी हरीश और रेखा गांव आते हैं तो हरीश की माँ उन दोनों का बहुत अच्छे से स्वागत करती है और उनके लिए अच्छे अच्छे मीठे मीठे पकवान बना कर रखती है और दोनों के साथ मीठी मीठी बातें भी करती है। शादी की जादुई मेकअप किट। बहुत समय पहले की बात है, सुल्तानपुर नामक राज्य में एक आरती नाम की लड़की अपनी माँ शकुंतला और पिता संजय के साथ रहती थी। आरती की माँ की एक छोटी सी दुकान थी जिसमें वो सिलाई का काम करती थी। उसकी माँ नए नए डिजाइन वाले लहंगे और सूट सलवार बनाना जानती थी। एक दिन, माँ माँ और कितना काम बाकी है? बेटा अभी तो बहुत काम बाकी है, तुम्हें पता है अभी अभी एक बहुत बड़ा ऑर्डर आया है जिसे समय पर पूरा करना है, अगर ये समय पर पूरा नहीं हुआ तो आगे से फिर हमें कोई भी ऑर्डर नहीं देगा। माँ आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, ये सारा काम समय पर खत्म हो जाएगा, पर अभी आप अंदर आओ। हाँ बेटा, पर थोड़ा सा काम खत्म करके मैं अभी आ जाती हूँ, तुम घर जाओ। नहीं माँ मैं आपके साथ ही घर पर जाऊंगी, आप जल्दी से अपना काम खत्म कर लो। आरती एक बहुत ही सुंदर और सयानी लड़की थी। दिखने में वो जितनी ज्यादा सुंदर थी उससे कई ज्यादा अच्छे उसके संस्कार थे। वो हमेशा दूसरों से अच्छे से बात करती थी और लोगों की मदद भी करती थी। माँ अब देखो रात होने वाली है और कितना काम बाकी है? बेटा बस थोड़ा सा काम रह गया है, लहंगे में गोता लगाना बाकी है, जल्दी से लगा देती हूँ और फिर घर चलकर दोनों साथ में खाना खाएंगे।
आरती अपनी माँ के साथ बैठकर अपनी माँ के काम के ख़त्म होने का इंतज़ार करती है। उसके बाद दोनों माँ बेटी थोड़ी सी दूरी पर अपने घर पहुँच जाती है। घर पहुँचने के बाद संजय शकुंतला से कहता है, आ गई तुम, आज तो बहुत देर हो गई, जल्दी से हाथ मुँह धो लो, फिर हम साथ में बैठकर खाना खा लेते हैं। हाँ हाँ, बस दो मिनट में आई। आरती अपने माता पिता के लिए टेबल पर खाना लगा देती है। तभी संजय शकुंतला से कहता है, शकुंतला मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। तुम जानती हो पास के ही गांव से एक बहुत अच्छा आरती के लिए रिश्ता आया है। उन्होंने आरती को बाजार में देखा था और उन्हें हमारी आरती बहुत पसंद आई है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। लड़का कैसा है और वो क्या काम करता है? लड़का तो बहुत अच्छा है और वो शहर में नौकरी करता है। शहर में उसका बहुत बड़ा मकान बना हुआ है और घर का इकलौता वारिस है। अगर उसके पास इतना कुछ है और वो इकलौता भी है तो जरूर लेन देन भी होगा। आप जानते हो ना, हमने अपनी बिटिया की शादी के लिए ज्यादा जमा पूंजी इकट्ठी नहीं करी है। अरे भाग्यवान, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, सब कुछ ऊपर वाले के ऊपर छोड़ दो। और हाँ, कल लड़के वाले हमारे आरती बिटिया को देखने आ रहे हैं, तो तुम उसे एक अच्छा सा सूट पहनने के लिए दे देना और उसे तैयार कर देना। इतनी सब बातें हो जाने के बाद सभी लोग अपने अपने कमरे में सो जाते हैं। अगली सुबह शकुंतला अपनी दुकान पर नहीं जाती है और घर में घर की अच्छे से सफाई करती है और मेहमानों की खातिरदारी करने के लिए स्वादिष्ट मीठे पकवान बनाती है। आरती को देखने वाले घर पर आ जाते हैं। लड़के के माता पिता आरती से सवाल जवाब करते हैं। लड़का नहीं आया था, केवल लड़के के माता पिता ही आरती को पसंद करके और रिश्ता पक्का करके वापस चले जाते हैं। अजी, हमारी बेटी आरती को लड़का तो देखने ही नहीं आया है, ऐसी क्या बात हो गई है? भाग्यवान, तुम फालतू में ही ज्यादा चिंता करती हो। क्या पता लड़के को नौकरी से छुट्टी नहीं मिली हो, शादी में तो आएगा ही ना। और वैसे भी हमारी बेटी इतनी खूबसूरत है, उसे कोई मना नहीं करेगा। हाँ, ये सब तो ठीक है, पर आज से ही हमें एक एक पैसा जोड़ना होगा ताकि हम अपनी बिटिया की शादी में कोई कमी ना कर सके। उसके बाद शकुंतला अपनी दुकान पर चली जाती है और संजय अपनी फैक्ट्री चला जाता है। घर पर आरती घर के सारे काम खत्म कर लेती है और उसके बाद अपनी माँ की दुकान पर उनका हाथ बटाने के लिए पहुँच जाती है। लाइए माँ, मैं भी आपकी कुछ मदद कर देती हूँ। आरती भी अपनी माँ के साथ मशीन पर बैठकर उनकी मदद करती है और वो शहर से आए हुए ऑर्डर पूरे कर देते हैं। वो सबसे बड़ा ऑर्डर आने वाले हफ्ते में जाने वाला था। ऑर्डर पूरा हो गया था, जिस वजह से शकुंतला के सर से टेंशन खत्म हो गया था। शकुंतला ने ऑर्डर का 70% पैसा ले रखा था जो दुकान में ही था। इसी तरह दिन बीत जाते हैं और एक दिन शकुंतला अपने परिवार के साथ बैठकर खाना खा रही थी, तभी वहां पर आवाज आने लगती है, भागो भागो, अरे भागो। पैरों की हलचल के साथ साथ शोर भी बढ़ता जा रहा था। बाहर से आ रही आवाज को देखने के लिए आरती अपने माता पिता के साथ घर के बाहर आती है। तभी वो देखते हैं कि लोग इधर उधर भाग रहे हैं और चिल्ला रहे हैं। अरे ये क्या हो गया, ये कैसा शोर है, क्या हो गया? अरे भैया, क्यों भाग रहे हो? अरे वहाँ देखो, वो दुकान में आग लग गई है और चारों तरफ फैल रही है, जल्दी पानी लेकर आओ। आग लगने की खबर सुनकर शकुंतला, संजय और आरती तीनों दुकान की तरफ भागकर पहुंच जाते हैं। तभी वो देखते हैं कि दुकान में आग लगी हुई है। हे भगवान, हे राम, ये क्या हो गया, मैं तो बर्बाद हो जाऊंगी। सेठ का पूरा ऑर्डर दुकान में भरा हुआ है और तो सारा पैसा दुकान में ही है, जल्दी कोई आग को बुझाओ, पानी लाओ रे, रे पानी लाओ। संजय अपनी पत्नी शकुंतला को संभालता है। तभी आरती भागते हुए दुकान के अंदर पहुंच जाती है। अरे बेटी, कहाँ जा रही हो, वापस आ जाओ, जल जाओगी बेटी, आरती रुक जाओ। आरती किसी की नहीं सुनती है और वो दुकान के अंदर भागते भागते आग की लपटों से बचते हुए अंदर पहुंच जाती है और वो दुकान में रखा हुआ सेठ का ऑर्डर और रुपए पैसे लेकर बाहर आ जाती है। दुकान में बचा कुचा सामान जल जाता है और आरती भी पूरी तरह से आग में झुलस गई थी। संजय अपनी बेटी के ऊपर कंबल डालता है और उसकी आग बुझा देता है। माँ देखो, मैंने सब कुछ बचा लिया,
सेट का पूरा ऑर्डर बाहर ले आई हूँ। अब सब कुछ बच गया है, कुछ भी बर्बाद नहीं हुआ है, आप चिंता मत करो माँ। इतना कहकर आरती बेहोश हो जाती है। तभी संजय अपनी बेटी को अस्पताल लेकर पहुंचाता है। अस्पताल में डॉक्टर उसका इलाज करते हैं। इलाज करने के बाद आरती ठीक तो हो जाती है, परंतु उसके चेहरे पर आग के निशान रह जाते हैं, जिस वजह से उसका चेहरा खराब हो जाता है। माँ देखो ना, मेरा चेहरा कितना खराब हो गया है। मैंने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया है, फिर भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? नहीं बेटी, भगवान तो बहुत अच्छे हैं, उसने तेरे साथ कुछ बुरा नहीं किया है। एक समय आएगा जब सब कुछ ठीक हो जाएगा। भगवान पर हौसला बनाए रखो, ऊपर वाला सब कुछ ठीक कर देगा। शकुंतला अपनी बेटी को दिलासा देती है। तभी वहाँ पर संजय आ जाता है। संजय का मुंह बहुत उदास था। तभी शकुंतला कहती है, अजी क्या हुआ, आप इस तरह मुंह लटकाए क्यों खड़े हुए हो? क्या बताऊं भाग्यवान, लड़के वालों का फोन आया था, उन्हें सब कुछ पता चल गया है और उन्होंने आरती से शादी करने के लिए इनकार कर दिया है। संजय अपनी पत्नी को ये सारी बातें बता रहा होता है कि तभी आरती को बहुत बुरा लगता है और वो रोते हुए वहाँ से भाग जाती है। अरे आरती बिटिया, कहाँ जा रही हो, रुको तो सही। तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे लिए इससे अच्छा रिश्ता लेकर आएंगे, तुम्हें रोने की कोई जरूरत नहीं है बिटिया। अजी जाने दीजिए, उसे इस समय अकेला छोड़ दीजिए, थोड़ी देर रो लेगी तो उसका मन हल्का हो जाएगा। आरती रोते रोते अपने गांव में जंगल में पहुंच जाती है और एक नदी के किनारे बैठकर रोने लगती है। आरती को जब भी अकेलापन महसूस होता था तो आरती अक्सर वहां बैठ जाया करती थी। आरती वहां बैठकर बहुत देर तक रोती है। आरती को रोता हुआ आसमान से एक परी बहुत देर से देख रही होती है और उससे रहा नहीं जाता, और वो आरती के सामने प्रकट होती है और कहती है, क्या हुआ आरती, तुम यहाँ पर बैठकर क्यों रो रही हो? क्या आपको कुछ दिखाई नहीं देता है, आप ये मुझसे पूछ रही हो? क्या आपको कुछ दिखाई नहीं देता है, आप ये मुझसे पूछ रही हो? आपको मेरे चेहरे पर ये काले काले निशान दिखाई नहीं दे रहे हैं क्या? इसकी वजह से मेरे माता पिता को कितनी तकलीफ हो रही है। कितनी मुश्किल से एक अच्छा लड़का मिला था, अब उन्होंने भी शादी तोड़ दी है। मेरे माता पिता की तो नाक ही कट गई। अच्छा तो ये बात है, पर तुम्हारा चेहरा जल जाने की वजह से रिश्ता तोड़ना तो बहुत गलत बात है। हमें लड़के वालों को सबक सिखाना चाहिए, पर उससे पहले मैं तुम्हें एक जादुई मेकअप किट देती हूँ। इस मेकअप किट का इस्तेमाल करने से तुम्हारा चेहरा पहले से और भी ज्यादा सुंदर हो जाएगा और सारे निशान गायब हो जाएंगे। क्या सच में आप सही कह रही हो? पर डॉक्टर ने तो कहा था ये निशान अब कभी नहीं जाएंगे। देखो ये एक जादुई मेकअप किट है, इससे जिद्दी से जिद्दी निशान चला जाता है, तुम इसे एक बार ट्राई करके देखो। आरती परी को धन्यवाद करती है और उससे वो जादुई मेकअप किट ले लेती है। घर जाकर आरती उस मेकअप किट का इस्तेमाल करती है और धीरे धीरे करके एक हफ्ते के अंदर ही आरती का चेहरा बिल्कुल ठीक हो जाता है और अब तो वो और ज्यादा खूबसूरत लगने लगती है। अरे वाह बेटी आरती, तुम्हारा चेहरा तो बिल्कुल ठीक हो गया है, अब तो तुम और सुंदर लगने लगी हो, ये सब जादू कैसे हो गया? आरती अपनी माँ को अपनी पूरी कहानी बताती है कि किस तरह परी उसे एक जादुई मेकअप किट देकर जाती है और उसी की वजह से आज उसका पूरा चेहरा पहले जैसा हो गया। देखा बेटी, मैं तुझे कहा करती थी ना कि ऊपर वाला हमेशा अच्छे लोगों की मदद करता है। ऐसे ही एक दिन बाजार से आरती सब्जी लेने के लिए बाजार जाती है। तभी वहाँ पर एक सुंदर सा लड़का जिसका नाम रमेश होता है, वो आरती से टकरा जाता है। रमेश बहुत ज्यादा खूबसूरत होता है। रमेश आरती को एक ही नज़र में पसंद कर लेता है। Hey beautiful girl, you are looking very gorgeous. Thank you so much. आरती को भी रमेश बहुत पसंद आता है, पर वो उसे कुछ नहीं कहती और अपनी सब्जियां लेकर वापस घर आ जाती है। आरती का घर बाजार में बहुत पास था। सब्जी लेने के बाद आरती को घर में घुसता हुआ रमेश देख लेता है और अगले ही दिन रमेश अपने परिवार के साथ आरती के घर पर रिश्ता लेकर आ जाता है। तब पता चलता है कि आरती वही लड़की है जिसका चेहरा जल गया था
और उसके माता पिता ने शादी के लिए मना कर दिया था। ये सब होने के बाद रमेश के माता पिता आरती के परिवार से माफी मांगते हैं। अरे कोई बात नहीं बहन, गलतियां तो सब करते हैं और आप हमसे बड़ी हैं। ये माफी मांगना आपको शोभा नहीं देता है। हमने आपको माफ किया और हम आपके बेटे से अपनी बेटी की शादी करने को बिल्कुल तैयार है। उसके बाद रमेश और आरती दोनों की शादी हो जाती है और दोनों हंसी खुशी शहर में अपना जीवन बिताने लगती हैं।